आज की वीडियो में हम सीखेंगे गार्निशिंग ऑर्डर का मीनिंग, इसकी एप्लीकेबिलिटीज और इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटीज की कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले इसका मीनिंग, इसके मीनिंग को देखने के लिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ एक है मिस्टर ए, ठीक है, सेकंड है मिस्टर बी। ए ने कहते लोन लिया था बी से अमाउंट टू पी 1 लाख का, ठीक है। कहते ये जो इसकी जो लिमिट है, ठीक है, ये इसने लोन देना था 1 साल बाद, ठीक है। जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है और जब इसकी डेट आती है, ठीक है, इसको देने की, देन ए जो है, ठीक है, वो ए मना कर देता है बी को पैसे देने से। देन उस केस में कहते हैं बी जो है वो केस फाइल करता है गवर्नमेंट में जाके ए के भी हाफ पे कि जो है ए जो है, ठीक है, उसने मेरा पैसा लिया था एज अ लोन, बट अब मुझे कहते हैं वो पैसा नहीं वापस दे रहा है। देन उस केस में कहते हैं जो गवर्नमेंट के जहाँ पे उसको जहाँ उसने केस फाइल किया था वो कहते हैं अपने लीगल एक्शंस को स्टार्ट करती है, ठीक है। देन वो पता करती है कि क्या ए का जो है किसी भी अकाउंट बैंक अकाउंट में खाता है, ठीक है। तब उसे पता लगता है कि एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक में उसका अकाउंट है। देन वो कहते हैं वो वाले बैंक, ठीक है, जिसमें उसका ए का अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक को कहते हैं एक ऑर्डर पास करती है, ठीक है, और कहती है कि ए के अकाउंट में, ठीक है, जितना भी पैसा है, ठीक है, वो हमें पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, माइनस है प्लस है ओवर पैसे के कम पैसा, ठीक है। कहते हैं जितना भी पैसा है, कहते हैं उस पैसे में से सबसे पहले जो बी का जो अमाउंट है जो उसने नहीं पे करनी थी, कहते हैं वो उसे जाके पे करने वो उसे पे कर दीजिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गार्निशिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है गार्निशिंग ऑर्डर की सबसे पहली पॉइंट है इशू बाय कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसके लिए, फॉर रिकवरी ऑफ ड्यू ऑफ जजमेंट क्राइटेरिया। कहते हैं कि जजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, जिससे जजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, वो पर्सन जिसको कहते हैं पैसा देना है, ठीक है। ये कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसका पैसा नहीं रिकवर हो रहा है, देन वो कहते हैं गवर्नमेंट में जाके, ठीक है, कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है, और कोर्ट कहते हैं उसके उसे उसे पैसे देने के लिए, ठीक है, वो एक उसके बैंक को, ठीक है, एक ऑर्डर पास करता है कि हाँ भी जितना भी पैसा हो, ठीक है, उसकी रिकवरी करवा के दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस केस में ए जो है वो क्या है, जजमेंट डेटर, और बी क्या है, वो है जजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, और बैंक जो है वो इस केस में क्या होता है, गार्निशिंग होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे जिसके ऊपर कहते हैं जो है वो कोर्ट है वो ऑर्डर पास करती है। मीनिंग के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि गार्निशिंग ऑर्डर किस टाइप के होते हैं, किस किस या उसकी कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, उसकी दो स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं ऑर्डर निशी, ठीक है। ऑर्डर निशी में क्या होता है, कहते हैं कि इसमें सबसे पहले कोर्ट इंस्ट्रक्ट करती है बैंक को टू स्टॉप द पेमेंट इन अ कस्टमर अकाउंट, ठीक है, कि जो भी कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर का मतलब है ए, ठीक है, क्योंकि बैंक के भी हाफ पे अगर हम बैंक और कस्टमर का मतलब कि अगर हम बैंक और मिस्टर ए का, ठीक है, रिलेशनशिप देखें तो इस केस में बैंक क्या है, उसकी बैंक एज अ डेटर एक्ट करता है, ठीक है, और ये जो है ए एज अ क्रेडिटर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड लिखे हैं वो इन दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। कोर्ट कहते हैं इंस्ट्रक्ट करता है अपनी बैंक को कि जो उसका क्रेडिटर है, कि जो मतलब मिस्टर ए है यहाँ पे, ठीक है, उसके अकाउंट को कहते बंद कर दिया जाए और उसके अकाउंट में कहते किसी भी तरह की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड काम क्या होता है, बैंक को गिव द रीजन वाई फंड इन द कस्टमर्स अकाउंट कैन नॉट बी पेड टू जजमेंट क्राइटर, कहते हैं। उसके बाद कोर्ट कहता है कि मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या कहते हैं क्या ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं ए के अकाउंट में जो भी बैलेंस है, ठीक है, वो आप कहते हैं बी को पे नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो सब ठीक है। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करता है स्टॉप पेमेंट के लिए, और सेकंड चीज है वो अपनी रीजन मांगता है। उसके बाद नेक्स्ट उसका दो स्टेप है जिसमें कहते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट कहते हैं इशू करता है फाइनल ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्टिंग द बैंक टू पे द इंटायर और पार्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट टू द जजमेंट क्राइटर और टू द कोर्ट, ठीक है। इसमें कहते हैं सिंपल वो फाइनल ऑर्डर पास कर देता है बैंक को कि जितना भी पैसा है, ठीक है, या तो फुल अमाउंट या तो एज अ पार्ट अमाउंट, ठीक है, ये डिसाइड होती है केस वाइज। कहते हैं वो पेमेंट या तो आप क्राइटर को कर दीजिए, ठीक है, मतलब क्राइटर हम इसका मतलब है बी, ठीक है, या आप कहते हैं कोर्ट को पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी टू इट्स कस्टमर ओनली आफ्टर द पेमेंट मेड, ठीक है। कहते हैं जब उसने पेमेंट बैंक ने कहते हैं अगर पेमेंट कर दी है अपने क्राइटर को, ठीक है, या कोर्ट को, देन उसी के साथ ही पेमेंट करने के साथ ही कहते हैं उसकी जो भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, अपने ए के भी हाफ या अपने कस्टमर के भी हाफ पे, कहते हैं वो सभी डिस्चार्ज हो जाती हैं, सभी फ्री हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक एक्शन की। इस वाले ऑर्डर में कहते हैं बैंक के क्या एक्शंस होते हैं। सबसे पहले नो ऑब्लिगेशन टू पे चेक, कहते हैं कि अगर वो जो अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ मिस्टर ए है, ठीक है, कहते हैं मिस्टर ए के अकाउंट में अगर कोई भी चेक आ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहते पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टॉप पेमेंट कहते अगर मिस्टर ए जो है खुद कहते अपने अकाउंट में से अगर उसने पैसे निकालने हैं तो वो भी कहते उसको मना कर दिया जाएगा। उसके बाद अमाउंट इज नॉट मैंशन इन द ऑर्डर इंटायर अमाउंट अटैच, कहते अगर इन केस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर पास किया था ना गवर्नमेंट ने बैंक को, ठीक है, तो कहते हैं अगर इस केस में
किसी भी ऑर्डर ठीक है जो पास किया, वहां पे कहते हैं अगर अमाउंट मैच नहीं है ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अमाउंट की थी 1 लाख ठीक है, तो कहते हैं बैंक ने अगर यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखा देन उस केस में कहते वो जो है ना मिस्टर ए उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है ठीक है, हम उससे भी वो जो पैसा है ठीक है वो हम पे कर देंगे अपने ग्राइडर को ठीक है। जैसे कि अगर ए के अकाउंट में ठीक है 2 लाख है एंड उसकी पेमेंट बनती थी बी के बिहाफ पे ठीक है 1 लाख, बट कहते कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था अपना गार्निशिंग ऑर्डर ठीक है, कहते उस पर उसने अमाउंट मेंशन नहीं की ठीक है, देन उस केस में कहते बैंक की ही ऑब्लिगेशन होती है कि बैंक को बैंक ने जितना भी पैसा है ठीक है कस्टमर के अकाउंट में वो कहते पे कर देना है कोर्ट को। उसके बाद नेक्स्ट रीजन ऑफ अ चेक रिटर्न गार्निशिंग ऑर्डर हैज बीन रिसीव, कहते हैं कि अगर जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपने कोई भी चेक की पेमेंट नहीं करनी ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप कोई भी चेक की पेमेंट नहीं करोगे तो वहां आपको रीजन स्पेसिफाई करना होगा, तो यहाँ पे कहते बैंक ने रीजन ये स्पेसिफाई करना है कि मुझे कोर्ट के द्वारा कहते गार्निशिंग ऑर्डर मिला है तभी मैं आपके चेक आगे पास नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वाइंट अकाउंट आर नॉट अटैचेबल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ जैसे हमने बात की थी ए के ठीक है एक बैंक है ठीक है, कहते उस बैंक में ए के दो अकाउंट है, एक है सिंगल अकाउंट है ठीक है ए वाला, ए का कहते हैं ज्वाइंट अकाउंट है ए और उसकी वाइफ का ठीक है, यानी कहते उस केस में कहते अब जो ऑर्डर पास होता है ठीक है वो हमेशा ए पे पास हुआ था ठीक है, इट मीन्स अगर ए के जो भी सिंगल अकाउंट है ठीक है हमने उसी के पे ही उसी के हमने बैलेंस को ठीक है आगे फॉरवर्ड करना होता है ठीक है, उसका जो ज्वाइंट अकाउंट है ठीक है जैसे कि ए और बी है ए सी है या ए उसकी वाइफ का अकाउंट है, कोई भी ज्वाइंट अकाउंट के बैलेंस को हमने ठीक है आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप ज्वाइंट अकाउंट कहते कहीं भी अटैच नहीं कर सकते ठीक है। नेक्स्ट है अटैच ऑल द अकाउंट ऑफ अ जजमेंट डेटर, इसका मतलब है कहते हैं कि अगर एक सपोज ठीक है सिंगल अकाउंट है बट सिंगल उसके दो तीन अकाउंट जैसे कि एक सेविंग अकाउंट है ठीक है एक करंट अकाउंट है एक फिक्स अकाउंट है ठीक है, कहते हैं जितने भी ए के अलग अलग टाइप के अकाउंट है ठीक है चाहे वो अलग अलग ब्रांचेज में क्यों ना हो उन सभी अकाउंट्स को अटैच करके ठीक है जितनी अमाउंट बनती है ठीक है वो कहते हैं उसको कोर्ट को स्पेसिफाई की जाए। उसके बाद नेक्स्ट है गार्निशिंग ऑर्डर कहते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले सेम अकाउंट के जहाँ कहते हैं अगर उसके अकाउंट सेम है ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर एक बैंक है ठीक है उसमें ए का जो अकाउंट है ठीक है एक ठीक है दो तीन अकाउंट है जैसे कि एक करंट अकाउंट है एक सेविंग है देन एक फिक्स्ड अकाउंट है ठीक है, कहते हैं उसका ज्वाइंट अकाउंट को छोड़ के ठीक है उसके जितने भी अकाउंट्स है चाहे अलग अलग ब्रांचेस में क्यों ना हो उन सभी को कहते हैं ज्वाइंट किया जाएगा। उसके बाद अगेन ही वो जो मैंने पहले बताया सेम हुई अटैच ऑल दी अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट नॉट विदड्रॉन ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कहता है कि अगर सपोज ठीक है ए ने ठीक है अगर पहले ही ठीक है गार्निशिंग ऑर्डर मिलने से पहले अपने अकाउंट में कहते कुछ पैसे विदड्रॉ कर लिए ठीक है देन उसमें गार्निशिंग ऑर्डर ठीक है अप्लाई नहीं होगा, गार्निशिंग ऑर्डर मिलने के बाद कहते कोई भी तरह की पेमेंट कोई भी तरह का डिपॉजिट नहीं हो सकता ठीक है, उसके पहले आपने जो भी किया उस पर गार्निशिंग ऑर्डर कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑर्डर ऑन एचओ ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कहते अगर सपोज आपका जो अकाउंट है ठीक है एंड बैंक ने कहते अगर आपके वो जो बैंक है ठीक है उस बैंक कहते हेड ऑफिस को ठीक है ऑर्डर पास कर दिया है देन वो कहते सभी बैंक पे कहते उसके जो जितनी भी ब्रांचेस है ठीक है उन सभी ब्रांचेस पे एप्लीकेबल होगा, बट कहते अगर आपका कोई फॉरन ब्रांच है ठीक है उस पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता वो वाला ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट अगेन ज्वाइंट अकाउंट के, ज्वाइंट अकाउंट यहाँ मतलब है सेम नेम, कहते हैं अगर आपका जो नेम सेम है जैसे कि सपोज ए एंड बी ठीक है कंपनी है ठीक है एंड जो केस फाइल हुआ है कोर्ट में कहते वो इसी कंपनी के बिहाफ पे हुआ है इसी कंपनी के ऊपर हुआ है देन कहते बैंक में ए एंड बी के जितने भी अकाउंट है ठीक है दोनों के कंबाइंड सिंगल नहीं दोनों के कंबाइंड ठीक है देन कहते वो वाला इस केस में कहते ज्वाइंट अकाउंट भी हम कंबाइन कर सकते हैं, रीजन कंडीशन बस यही है कि जो अकाउंट है वो कहते सेम नेम पे होने चाहिए चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ज्वाइंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है जैसे कि सपोज एक्स वाई जेड ठीक है एक पार्टनरशिप फर्म थी ठीक है उसके कहते तीन पार्टनर से एक्स वाई और जेड ठीक है, अगर कहते जो गार्निशिंग ऑर्डर है कहते वो अगर एक्स के अकेले पे ठीक है फाइल हुआ है देन कहते इस केस में ना तो कंपनी लाइबल होगी ठीक है ना तो ये वाई लाइबल होगा ना जेड लाइबल होगा, बट कहते अगर जो गार्निशिंग ऑर्डर है वो किसी प्रॉपर कंपनी पे ठीक है या किसी प्रॉपर फर्म पे ठीक है एप्लीकेबल हो गया है देन उस केस में वो कंपनी प्लस उसके मेंबर जितने भी हैं ठीक है वो सभी लायबल होंगे और सभी के अकाउंट के बैलेंसेस को हम ऐड करके अपने कोर्ट को जाके देंगे ठीक है, क्योंकि जैसे आपने हमने पहले पढ़ा था कि जो पार्टनर्स है कहते हैं वो लायबल होते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है FDRA ठीक है फॉर अ लोन ठीक है एप्लीकेबल ऑन एक्सेस अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है जैसे कि ठीक है एक अकाउंट में जैसे 2 लाख की अमाउंट हुई ठीक है एंड वो अकाउंट क्या था FD थी क्योंकि उसकी फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट था एंड उसके बिहाफ में ठीक है उसने लोन लिया था सेम बैंक से 1.5 लाख का ठीक है 1,50,000 का, यानी इस केस में कहते क्या होता है अगर आप कहते अगर आपके किसी भी अकाउंट में ठीक है किसी भी अकाउंट के बिहाफ पे आपने कोई एज अ लोन ठीक है लिया है देन उसमें कुछ भी एक्सेस अमाउंट होगी ठीक है उस पर कहते हैं गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई होगा, इट मीन्स 2 लाख में से 1,50,000 को माइनस करके जो एक्सेस अमाउंट है 50,000 आपकी इस पर कहते हैं गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि गार्निशिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिक अमाउंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल बियॉन्ड द स्टेटेड अमाउंट, कहते हैं जैसे कि 2 लाख की अमाउंट है, ठीक है, एंड एक ही जो गार्निशिंग ऑर्डर पास हुआ है वहाँ पे स्पेसिफाई है कि 1 लाख की अमाउंट ही आपको देनी है, ठीक है। उस केस में जो भी 1 लाख की अमाउंट है, ठीक है, वही सीज होगी एंड वही कहते हैं आपकी उसी पर ही गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई होगा, बाकी का जो बैलेंस है 1 लाख उस पर कहते हैं अप्लाई नहीं हो सकता। बट कहते हैं अगर जो ऑर्डर पास हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, कहते हैं उस पर कोई भी तरह की अमाउंट नहीं लिखी हुई है, देन उस केस में जितना भी पैसा एक अकाउंट में है वो सारा का सारा पैसा उस पर गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई हो सकता है। उसके बाद है सीसी में कि कैश क्रेडिट, ठीक है, एंड सेकंड आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, ठीक है, जो भी आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, कहते हैं उनमें कहते आपका गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चेक प्रेजेंटेड इन अ क्लियरिंग, कहते हैं अगर आपके कोई भी चेक, ठीक है, क्लियरिंग के लिए, ठीक है, प्रेजेंट किए गए हैं, तो कहते हैं वो जब तक क्लियर होकर नहीं आते, ठीक है, तब तक हम उन पर कहते गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकते। डिपॉजिट अमाउंट आफ्टर द ऑर्डर, कहते हैं मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऑर्डर पास एक बार हो, ठीक है, आपके पास एक बार कहते हैं ऑर्डर पास हो गया, ठीक है, देन उसके बाद कहते आपने कोई भी पेमेंट करनी है या आपने कोई भी डिपॉजिट करना है, ठीक है, वो कहते कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि डिपॉजिट आफ्टर दी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मिलने के बाद आपने कुछ पैसा जमा भी करवाया तो कहते उस पर जो आपने डिपॉजिट की है अमाउंट उस पर कहते गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है नेम इज डिफरेंट। नेम इज डिफरेंट का मतलब होता है जैसे कि बी ने, ठीक है, केस फाइल किया था, वहां पर मैंशन किया था मिस्टर ए, ठीक है, बट कहते बैंक में जो उसका नाम है वो कहा, उसका नाम क्या है, एम ए कुमार, ठीक है। यहाँ देखे नेम चेंज हो गया, देखे नेम चेंज होने की वजह से कहते इस वाले अकाउंट में, ठीक है, उसके जितने भी अकाउंट में ये वाला नेम है, कहते वहां पे गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं हो सकता। आपका अकाउंट और आपका नेम कहते सेम होना ही चाहिए। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट, जैसे पहले बताया था, ज्वाइंट अकाउंट कहते एप्लीकेबल नहीं हो सकते अगर आपका केस इंडिविजुअल बंदे पे फाइल हुआ है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अगर पहले से वो इंस्टॉलमेंट है देन उस केस में उस पर गार्निशिंग ऑर्डर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। सिंगल पार्टनर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में कि 3 पार्टनर्स है, ठीक है, वहां पे अगर एक्स के ऊपर गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई हुआ है तो बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं या बाकी के जितने भी फर्म है, ठीक है, उन पे गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑलरेडी डन, जैसे कि मैंने ये भी मैंने पहले बताया था कि अगर कहते जैसे कि ए के पास 2 लाख है, ठीक है, अगर उसने ऑर्डर पास होने से पहले उसने ये 2 लाख के 2 लाख ही विड्रॉ कर लिए हैं, देन उस केस में कहते यहाँ पे गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई ही नहीं कर सकते। ट्रस्ट अकाउंट के, ये ऐसा अकाउंट है जिसमें कहते हैं बैंक एज अ ट्रस्टी काम करता है, देन कहते हैं अगर बैंक एज अ ट्रस्टी काम करता है किसी भी अकाउंट के भी आप पे, देन कहते हैं उस अकाउंट पे आप गार्निशिंग ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकते। राइट ऑफ सेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, कहते राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि जो ए के पास एक एफडी थी, ठीक है, उसकी अमाउंट थी 2 लाख, ठीक है, उसकी उसी एफडी के अकॉर्डिंग ही उसने कहते लोन लिया था बैंक से 1.5 लाख का, ठीक है। तो कहते बैंक सबसे पहले अपना कहते अपने आप को कहते सेफ करता है, ठीक है, उसने 2 लाख में सबसे पहले अपना 1,50,000 को माइनस करके, ठीक है, जो नेट अमाउंट आती है कहते वो आपने उसको पे करनी होती है, ठीक है, बैंक को या अपने कोर्ट को, ठीक है।